चैप्टर नंबर वन एंड चैप्टर नंबर टू पार्ट दो और ए कंप्लीट हो गया। कल मैंने आपको पार्ट दो के क्वेश्चन उत्तर दिए थे, आई होप आपने किए होंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा पार्ट तीन, जिसका नाम है कुछ खास हैं हम। कुछ खास हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे हम आप और हम मैं जो है हम अपने आप को देखें तो हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हम अच्छे से बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी जो भी बात है वो दूसरों को बता सकते हैं, अच्छे से चल सकते हैं, हमारे हाथ भी प्रॉपर वर्क करते हैं। लेकिन इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जैसे जो अच्छे से बोल नहीं सकते, या जो सुन नहीं सकते, या जो कुछ देख नहीं सकते, चल नहीं सकते। इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें स्पेशल पर्सन या स्पेशल विशेष विशेष जन कहा जाता है। ऐसे लोगों को स्पेशल पर्सन या फिर विशेष जन कहा जाता है, जिनके किसी ना किसी कोई शरीर का कोई ना कोई अंग अच्छे से काम नहीं करता। इसी तरह के कुछ लोगों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ देखिए, पेज नंबर 13 पर। यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूं मैं और फिर कहूं कि किताब पढ़ो तो क्या पढ़ पाओगे? नहीं, आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करते हैं। हेलन केलर भी आंखों से देख नहीं सकती थी लेकिन वो एक बहुत बड़ी लेखिका थी। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, किताबें लिखी। कैसे संभव हुआ ये देखेंगे हम चैप्टर में कैसे पढ़ पाते हैं, है ना। इसमें एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीज़ों को आप डालिए, थैला लीजिए, कपड़े थे उसका पेंसिल, अपने इरेजर, जो भी चीज़ें, चम्मच, कुछ भी आप अपने खिलौने वगैरह डाल दीजिए, उसके स्केच पेन वगैरह। अब आप अपनी आंखें बंद करके थैली में हाथ डाल के पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप पहचान पाएंगे। आप अपनी चीज़ों को छू कर कैसे पहचान रहे हैं आप उन चीज़ों को? आप उन चीज़ों को आप छू कर पहचान रहे हैं। आप देख तो सकते नहीं लेकिन आपने अपनी चीज़ों को कैसे पहचाना? छू कर। सेम ऐसे जो लोग देख नहीं सकते ना वो अपनी चीज़ों को छू कर या फिर सूंघ कर पहचान पाते हैं। सूंघ कर या फिर छू कर, तो अपनी चीज़ों को छू कर पहचानते हैं। तो इसी तरह से जो देख नहीं सकते जो लोग अपनी आँखों से, वो पढ़ना लिखना भी जो छू पढ़ने लिखने के लिए विशेष प्रकार की भाषा, एक विशेष प्रकार की उनकी जो भाषा होती है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं, ब्रेल लिपि या ब्रेल भाषा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो अक्षर होते हैं, जैसे मैंने जो अभी अक्षर लिखे हैं ये तो अभी आप मैंने लिखे और आपने पढ़ लिए, लेकिन जो जो लोग देख नहीं सकते उनकी जो बुक्स होती हैं या उनकी जो लेखन सामग्री पढ़ने की जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल अलग होती हैं। उसमें जो ये अक्षर होते हैं थोड़े से ऊपर उठे हुए या उभरे हुए होते हैं जिन्हें वो छू कर, इस तरह से छू कर पहचानते हैं। इस भाषा को कहते हैं ब्रेल भाषा, ब्रेल लैंग्वेज या ब्रेल लिपि। समझ में आ गया? अंधे लोग जो होते हैं जो देख नहीं सकते उनके लिए जो विशेष भाषा होती है पढ़ने लिखने की उसे कहा जाता है ब्रेल लिपि। क्या कहा जाता है? ब्रेल लिपि, जिसमें जो वर्ण होते हैं जैसे ए है या बी है, जो भी वर्ण है पढ़ने के लिए जो अक्षर होते हैं वो उठे हुए होते हैं, ऐसे स्मूथ नहीं होते, ऊपर उठे होते हैं, जिन्हें वो लोग टच करते हैं, इस तरह से आँखें उनकी आँखें काम नहीं करती हैं तो वो ऐसे टच करते हैं, छूते हैं और फिर पहचान जाते हैं क्या लिखा है। समझ में आ गया? अब इस ब्रेल लिपि के बारे में चैप्टर में पढ़ लेते हैं। ब्रेल लिपि में जो अक्षर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं आप, और इस लिपि में 6 बिंदु होते हैं, इस तरह से 6 डॉट्स होते हैं, 6 डॉट होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इस ब्रेल लिपि को लिखने के लिए। इसमें ब्रेल लिपि लिखने के लिए जो एक पेन होता है, स्पेशल पेन होता है, वो इस तरह का एक पेन होता है प्रॉपर बना करेंगे, एक पेन होता है स्पेशल, इसको बोलते हैं स्टाइलस। ब्रेल लैंग्वेज को, ब्रेल लिपि को लिखने के लिए जो पेन यूज किया जाता है वो होता है स्टाइलस। इसमें क्या होता है बच्चों, एक ना पेपर होता है जैसे पेपर है और उस पर जो है ना डॉट बना करके 6 डॉट बनाए जाते हैं। अगर आप मान लीजिए अभी आपके पास पेपर है, इसमें एक पेन से मैं छेद कर दूँ तो इसके पीछे की तरफ क्या होगा, इसके पीछे की तरफ वो छेद उभर जाएगा ना, वो जो छेद आपने बनाया है पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। तो इसी तरह इनकी बुक होती है, किताब कॉपी इनकी इसी तरह की होती है जिसमें स्टाइलस जो पेन होता है उससे ये जो 6 बिंदु होते हैं
पर छेद करने के बाद में उसे पलट देते हैं। कागज की दूसरी तरफ उंगली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। इन उभरे हुए छेदों को उंगली से छूकर पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा स्केल होता है जिसमें छेद होते हैं इस तरह से, ठीक है, और एक पेन होता है स्टाइलस। मान लीजिए आपको अपनी कॉपी में ए लिखना है तो क्या किया जाता है कि पेन से जो फर्स्ट वाला जो डॉट है उस पर पेन से छेद किया जाता है, पेपर की दूसरी तरफ जो पेपर है उसके दूसरी तरफ वो उभर जाता है और उसको छू कर भी वो पहचान लेते हैं जो देखने से कि ये ए है। तो इस तरह से अक्षरों को बनाया जाता है पेपर के ऊपर स्टाइलस और ये विशेष स्केल की मदद से, विशेष स्केल और स्टाइलस जो पेन है उसकी मदद से कागज पर ब्रेल लिपि में जो अक्षर है एबीसीडी या जो भी अक्षर है उनको उभारा जाता है और उसको बाद में छू करके उसको पहचाना जाता है। अब इस चैप्टर में ब्रेल लिपि के बारे में और जो कहानी है कि किसने ये ब्रेल लिपि सबसे पहले आविष्कार किया था, कैसे इसकी खोज हुई थी, ये सारा जो है हम इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आपको सिर्फ ये जो पार्ट 3 है कुछ खास है, हम इसके दो पेज आपको अच्छे से पढ़ने हैं, पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14, ठीक है, दोनों पेज अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है, थैंक यू।